नमस्कार एमएनएस न्यूज़ लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शिया सारी। आइए देखते हैं बॉलीवुड की कुछ खास खबर। एमसी स्टैन की बजरंग दल वालों ने की पिटाई। केआरके के खिलाफ जारी हुआ अरेस्ट वारंट। गैसलाइट के बाद सारा अली खान के हाथ लगा एक और प्रोजेक्ट। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। बजरंग दल वालों ने की एमसी स्टैन की पिटाई। जी हां, शो के बीच किया हंगामा। फेमस रैपर और बिग बॉस 16 के विनर एमसी स्टैन को लेकर चौंकाने वाली खबर सामने आई है। जी हां, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रैपर के इंदौर में होने वाले लाइव कंसर्ट को कैंसिल कर दिया गया है। यही नहीं, आरोप है कि रैपर को बजरंग दल वालों ने पीटा भी है और धमकी भी दी गई है। जी हां, इस खबर को एमसी स्टैन के फैंस आग बबूला हो गए हैं और उनके रिपोर्ट सपोर्ट में उतर आए हैं। जी हां, इंदौर में बजरंग दल वालों ने किया हंगामा। दरअसल हाल ही में एमसी स्टैन इंदौर लाइव कंसर्ट करने पहुंचे, जहां बजरंग दल वालों ने आगे हंगामा कर दिया और उन्हें धमकी भी दी। जी हां, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। उनका कहना है कि एमसी स्टैन के गाने में खुलेआम गाली गलौज और महिलाओं को ऑब्जेक्टिव फायर करते हैं। जी हां, इसके साथ ही बजरंग दल वालों ने आरोप लगाया है कि स्टैन अपने रैप सॉन्ग्स में ड्रग्स को प्रमोट करते हैं, जिसके यूथ पर गलत प्रभाव पड़ रहा है। जी हां, इसी के चलते स्टैन पर रैपर के साथ मारपीट करने की कोशिश की गई। हालांकि अभी ड्रग बात की पुष्टि नहीं हुई है। एमसी स्टैन के सपोर्ट में उतरे फैंस, यह घटना से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें एमसी स्टैन के भी शो से निकलकर काफी तेजी से अपनी गाड़ी में बैठकर जाते नजर आ रहे हैं। जी हां, रैपर के पीछे लगी भीड़ को भी वीडियो में साफ देखा जा सकता है। वीडियो सामने आने के बाद फैंस रैपर के सपोर्ट में उतर आए और ट्वीट पर पब्लिक स्टैंड विद एमसी स्टैंड कर रहा है। जी हां, अगर आप भी एमसी स्टैन के फैंस हो तो एमसी स्टैन के लिए एक खुशखबरी सामने आई है कि 18 मार्च को यानी आज होगा नागपुर में लाइव कंसर्ट। जी हां, बता दें कि फैंस एमसी स्टैन के शो में कैंसिल होने से काफ़ी निराश है। हालांकि अभी उनके कई शहरों में शो होने का बाकी है, जिसकी अगला नंबर नागपुर का है, जहाँ एमसी स्टैन 18 मार्च यानी आज को लाइव शो करने वाले हैं। केआरके के खिलाफ जारी हुआ अरेस्ट वारंट। जी हां, नशेड़ी कहने पर मनोज वाजपेयी ने किया था मानहानि का केस। मनोज वाजपेयी ने 2021 में केआरके के ट्वीट के बाद उन पर केस फाइल किया था। अपने ट्वीट में केआरके ने मनोज को उनकी वेब सीरीज द फैमिली मैन के लिए टारगेट किया था। जी हां, पहले भी कोर्ट ने सुनवाई के दौरान मौजूद न रहने के लिए खान के खिलाफ जमानती वारंट जारी किए थे, लेकिन अब उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हुआ है। इंदौर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने फिल्म प्रोड्यूसर एक्टर कमाल राशिद खान उर्फ केआरके के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है। जाने माने एक्टर मनोज वाजपेयी ने केआरके के खिलाफ एक केस फाइल किया था। इस केस की सुनवाई के दौरान मौजूद न रहने पर कोर्ट ने केआरके के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है। गैसलाइट के बाद सारा अली खान के हाथ लगा एक और प्रोजेक्ट। गुंजन सक्सेना डायरेक्टर की फिल्म में आएगी नजर। जी हाँ, बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस सारा अली खान अपनी फिल्म के साथ साथ अपने सोशल मीडिया पोस्ट के लिए भी काफ़ी चर्चा में रहती है। जल्द ही सारा अली खान एक्टर विक्रांत मैसी और एक्ट्रेस चित्रांगना सिंह के साथ गैसलाइट में नजर आने वाली है। जहां उनकी ये फिल्म मूवी 31 मार्च को रिलीज होने वाली है, जिसका ट्रेलर भी रिलीज हो चुका है। लेकिन गैसलाइट के रिलीज से पहले ही सारा अली खान के हाथ एक और बड़ा प्रोजेक्ट लगा है। दरअसल सारा अली खान जल्द ही गुंजन सक्सेना के डायरेक्टर शरण शर्मा की अपकमिंग मूवी में नजर आ सकती है। जी हां, सारा अली खान की अपकमिंग मूवी से जुड़ी जानकारी उनसे जुड़े सूत्रों ने दी है। जी हां, बताया जा रहा है कि शरण शर्मा की इस अपकमिंग मूवी की स्क्रिप्ट काफ़ी अलग हटकर है, जिसके लिए सारा अली खान को परफेक्ट माना गया है। इस बारे में बात करते हुए सूत्र ने कहा, मूवी की स्क्रिप्ट काफ़ी हटकर है और शरण को लगता है कि सारा इस हिस्से में के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। जी हां, फिल्म को लेकर फॉर्मेलिटी भी सारा पूरी कर ली गई है और माना जा रहा है कि इसकी शूटिंग जल्द ही शुरू हो सकती है। हालांकि अभी तक सारा अली खान की इस मूवी का नाम सामने नहीं आया है। जी हां, इन फिल्मों में भी नजर आएगी सारा अली खान। बता दें कि गैसलाइट के अलावा भी सारा अली खान कई बॉलीवुड फिल्मों में नजर आने वाली है। तो जल्द ही विक्की कौशल के साथ जरा हट के जरा बच के मूवी में नजर आएगी। इसके
के अलावा वो ए वतन मेरे वतन और अनुराग पासवान की मेट्रो इन दिनों में भी दिखाई देगी। जी हाँ, फिल्मों में इतना तर हाल ही में सारा अली खान अपनी ट्रेवलिंग की फोटोज और वीडियोस को लेकर काफी चर्चा में आ गई है। दरअसल एक्ट्रेस हाल ही में लाहौर स्पीति गई थी, जी हाँ, जहाँ उन्होंने खुद से कई दुकानों पर गेमी मैगी भी बनाई। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमनेस्टी सीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टालिंग ट्विटर, हाइकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारे चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हो। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हो www.mnsnews.com पर। फिलहाल वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखेगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज पर। नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।